अगर आप पटना गया रूट पर यात्रा करते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि इस रेल खंड पर अब आपको घंटों का सफर झेलना नहीं पड़ेगा। पटना से खुलने वाली ट्रेन आपको पहले की अपेक्षा कम वक्त में ही गया पहुंचा देगी। दरअसल पटना और गया रेलखंड पर सभी ट्रेनों की गति बढ़ा दी गई है, जिसके बाद इस रूट की पैसेंजर और एक्सप्रेस सभी ट्रेनें करीब दोगुनी रफ्तार से दौड़ेंगी। बता दें कि पहले इस रेल लाइन पर ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर थी, जिसे बढ़ाकर अब 70 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। इस रेलखंड पर 10 अनाधिकृत रेलवे क्रॉसिंग बंद कराने के बाद रेलवे ने पिछले दिनों ही ट्रेनों की गति बढ़ाने का निर्णय लिया था। रेलवे के अनुसार जहानाबाद और परसा स्टेशन के पास करीब 16 जगहों पर ग्रामीणों ने अनाधिकृत रूप से क्रॉसिंग बना ली थी, जिसके कारण ट्रेनों को वहां या तो रुकना पड़ता था, नहीं तो अपनी स्पीड कम करनी पड़ती थी। इसके कारण ट्रेनों की रफ्तार पर इसका असर पड़ता था। इसे देखते हुए दानापुर मंडल द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया और ऐसे 10 अवैध क्रॉसिंग को बंद कराया गया। वहीं बाकी के 6 क्रॉसिंग के नीचे कम ऊंचाई के अंडरपास का निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद अगले साल फरवरी तक इस रेलवे लाइन पर अवैध क्रॉसिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद पटना गया के इस रेल लाइन पर ट्रेनें बिना किसी बाधा के अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ने लगेंगी।